बुनकर वेलफेयर सोसाइटी के बैनर तले दर्जनों बुनकरों ने सोमवार को नगर निगम स्थित रानी लक्ष्मीबाई पार्क में फ्लैट रेट बहाल करने के लिए धरना प्रदर्शन किया। बुनकरों ने कहा कि जब तक बुनकरों का फ्लैट रेट बहाल नहीं होगा तब तक उनकी हड़ताल जारी रहेगी। उन्होंने कहा कि बुनकरों की स्थिति दिन प्रतिदिन बदतर होती जा रही है। बुनकरों की समस्या पर सरकार उदासीन है। बुनकरों को भूखा मरने के लिए छोड़ दिया गया है। अब बुनकरों के सामने बड़ा आंदोलन करने व करो या मरनों की स्थिति पैदा हो गई है। बुनकरों की मांग है कि बुनकर समुदाय के लिए कार्य योजना बनाई जाए जिससे हथकरघा पावरलूम व्यवसाय फिर से खड़ा हो सके। धरना प्रदर्शन के दौरान बुनकरों ने जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन सौंपा और अपनी मांगों को अविलंब पूरा करने की मांग की। इस संबंध में गोरखपुरनी से बात करते हुए बुनकर अब्दुल सलाम ने कहा, बुनकर एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हमारी मांगे पूरी करो, चाहे जो मजबूरी हो। हमारी मांगे पूरी करो, चाहे जो मजबूरी हो। जिंदाबाद, जिंदाबाद। बुनकर एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद। अब्दुल सलाम, ये हम लोगों का फ्लैट रेट ख़त्म कर दिया गया है। इस वजह से हम लोग 15 अक्टूबर से पावरलूम हड़ताल पे हैं, मतलब पावरलूम बंद करके हम लोग हड़ताल पे हैं। और हम सरकार से ये चाहते हैं कि हम बुनकरों की बात को वो गंभीरता से लें और फिर से दोबारा फ्लैट रेट बहाल करें, जो मुनासिब समझें अपने हिसाब से, जिसमें सरकार का भी नुकसान ना हो, बुनकर का भी नुकसान ना हो, कुछ बढ़ोतरी करके फ्लैट रेट को बहाल रखा जाए। और अगर फ्लैट रेट बहाल ना हुआ तो उत्तर प्रदेश का पूरा कपड़ा उद्योग बंद हो जाएगा और इससे बहुत सारे बुनकर करोड़ों की तादाद में बेरोज़गार हो जाएंगे। और फ्लैट रेट अगर जारी रहा तो ये करोड़ों लोग जो है अपने अपने काम में वापस आ जाएंगे। हम सरकार से यही चाहते हैं कि हमारे फ्लैट रेट को बहाल रखा जाए, जो मुनासिब समझे सरकार अपनी तरफ से इसमें बढ़ोतरी कर ले।